नहीं जानते द डार्क स्पेक्टर केवी में पढ़ते हो? हाँ। अरे अरे देखा भैया। तो भैनचोद काटना मत, प्लीज मत काटना भाई साहब। तुम्हें पता है क्या हुआ जस्ट अभी अभी? कसम से जैसे ही वो मेरे को बजी ना भाई, डर तो मैं फटके तो चार हो गई थी मेरी उसी टाइम। देखो भाई साहब, नेवर जज अ पर्सन बाय हिज डेली कम्यूटर। हो सकता है भाई साहब उनके घर पे R1 या क्रॉस प्लेन पड़ी हो, बट उसके पंचर होने की वजह से ना वो उस पर जा ना पा रहे हो। और ऐसे ही कुछ आज हमारे साथ भी हो चुका है। और हम आज अपने कजन की 220 लेके निकले भाई। 2011 मॉडल 220 है। इसे कल परसों हमने पूरा ठीक कराया था। और अपनी R1 जो है वो साहिल की शॉप पे लगाई थी, क्योंकि वो भाई साहब पंचर हो रखी थी। आज ये काम हम फिक्स करा ही लेंगे, उसको पंचर लग जाएगा। तो भाई साहब मैं बात कर रहा था, इसको क्या हो गया? ये तो फेसलिफ्ट एडिशन बना दिया बलिनो का। कम ऑन 220, यू कैन डू इट। ओ भाई साहब, गदर ही मशीन थी ना अपने टाइम पे, कुछ कमाल ही चलती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन। R15 V1 और 220, ये दोनों बाइक के कसूरवार हैं कि आज सुपर स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट है, जो स्पोर्ट्स बाइक का सेगमेंट है, वो इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा है। तो अपनी बाइक हम लगाते हैं यहाँ पर, वो रही देखो अपनी R1। हेयर इज द ब्यूटी गाइज। और काके कहला है, ठीक है। तो भाई साहब ये रही अपनी बाइक। इसको मैं एक दिन ना बारिश पे लेके गया था, और फिर मुझे वापस आके इसको धुलाना पड़ा था, जिसके बाद कुछ ये हाल भैया हो गया हमारी रैप का। रोमी भाई यार क्या करें इसका, मुझे बताओ। अब इसके कलाकार तो आप ही हो, बट इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। देखो ये देखो भाई, बुरी हालत है। अब मुझे लगता है रैप का कुछ ठिकाना नहीं बन रहा, अपना सही नहीं बन रहा। मैं सेम कलर में, अगर तुम्हें रैप पसंद आ रही है ना, तो इसी रैप में एक फेयरिंग मंगा लेते हैं। क्या कहते हो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना भाई। बट एनीवेज हमें आज इसका पंचर लगवाना है। टायर एकदम फ्लैट हो चुका है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो। तो देखो यार, आज ना हमें इसको पहली बार ना धक्का लगाने की जरूरत पड़ गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका टायर पंचर हो चुका है भाई। और बताओ भैया कैसे हो, ठीक हो? तो भाई साहब पंचर हो गई है, इसीलिए इसको ना धक्का लगाना ही पड़ेगा। अभी भी ये हेल्प करने वाले हैं। तो ये देख लो, है ही कुछ नहीं, हवा ही नहीं है भाई। चलो धीरे धीरे लेना, चल 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 धीरे धीरे, आराम से पलट जाएगी नहीं तो। ओ भाई साहब पंचर भाई, मेरे को लगता है टायर चला जाएगा ऐसे। फक मैन, प्रॉपरली पूरे तरीके से हवा खत्म हो चुकी है गाइस। तो भाई साहब 200 मीटर लेके आने में भी ना भाई फट गई इसकी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हैवी है। तो बात है ऐसी, अभी मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, एंड हमने सोचा मौसम जब अच्छा होता है तो राइड करना तो भाई साहब बनती बनती है। 2-3 दिन हो गए पंचर वगैरह लगा लगू के, अब फाइनली हम राइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री राम। ये खड्डा जान लेवा है यहाँ पर। भाई साहब जिगरा नहीं पड़ता, लीटर क्लास को खींच के ना तुम्हें वो फील आता है कि भाई अलग ही स्पीड से चल रही है। मजेदार बाइक, अलग ही कंपेनियन है यार। क्रॉस प्लेन सुपर मेसी सबसे अलग। इस टाइम गाइस स्कूल की भी छुट्टी हो रखी है। बताओ क्या करना है, रिएक्शंस देखने हैं बच्चों के? चलो तुम्हें आज आर्मी स्कूल लेके जाते हैं भाई, लोगों के रिएक्शंस दिखाते हैं। क्या बात है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल से वापस जा रहे हैं। सो फकिंग अमेजिंग मैन। बस ये रोड अच्छा होता ना तो आज अच्छी खासी राइड लग जाती भाई। क्या बात है, दिस थिंग इज अमेजिंगली ऑसम मैन। मजा आ जाता है भाई साहब। और हॉर्न भी अपना वर्किंग हो गया भाई। R1 का हॉर्न सुन लो, ये सुन रहे हो, ये R1 की आवाज है भाई। आर्मी स्कूल जाना चाहिए कि नहीं, वही सोच रहे हैं भाई। आर्मी स्कूल में आर्मी के बच्चे बहुत होते हैं, तो वहां पर यही दिक्कत होती है कि ना ही जाओ तो अच्छा। आर्मी स्कूल से डायरेक्शन चेंज करके हम चलते हैं KV स्कूल की तरफ। बहुत
अमेजिंग है यार, कुछ भी कह लो, रोड बहुत कमाल का है ये। ओके, फ्यूल की मार्किंग्स आ गई हैं जनाब, फ्यूल फिर से डलाना पड़ेगा। तेल पीता ही बहुत है यार अपना R1 ना, तेल का कुछ इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तेल डलाते हैं इसमें थोड़ी देर में, अभी फ़िलहाल 3 ही किलोमीटर चला है तो ज़रूरत नहीं है। ये देख लो भाई हमारे यहाँ का रोड भी कैसा कैसा है, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट से सारी साली पानी से भरी हुई है, और सेम हालत अपने अखनूर में भी हो रखा है भाई। यहाँ पर क्या करें, बारिश होती ही बहुत है। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, बस उसी चीज़ का मेरे को डर लग रहा था। इमेजिन करो अगर ये कैमरा एग्जॉस्ट के पास लग जाए तो अलग ही मजा नहीं आ जाए, कमाल की साउंड आ जाए भाई, अलग मजेदार। कुत्तों को देख के ना जो डर मुझे लगता है वो पर्सनली बहुत ज्यादा डरावना होता है भाई, कभी भी साले घूम के बीच में आ जाते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मोस्टली तेज वगैरह चलाते हैं उनके सामने कुत्ते नहीं आते, मेरे सामने साले कूद कूद के आते हैं भाई। भेजी क्या हाल चाल है, ठीक हो? फुल नहीं जानते द डार्क स्पेक्टर, केवी में पढ़ते हो? हाँ। अरे अरे देखा भैया, तो फिर आपने R1 नहीं पहचानी? ठीक है ठीक है। और बताओ कौन सी क्लास में हो? 12th में हो? ओके। कौन से, हाँ कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ओके, सारे कॉमर्स वाले ही हो। कौन पढ़ाता है आपको अकाउंट्स? इससे पहले मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, पता है? मेरे कमर्स ही थे, शीतल मैम होती थी उस टाइम पे, शीतल मैम। तो भाई साहब ये है कुछ हालात, पेट्रोल पता नहीं कितना डलता है। जा रहे हो? बैठो यार, खाना शाना खा के जाओ। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ओके गाइस, हमारी R1 बिना तेल बहुत ज़्यादा पीती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तकरीबन 7 या 8 की इसकी माइलेज है। एक बार अगर इसको रिफ़िल कराना पड़े पूरी टंकी को तो तकरीबन 1700 से 1800 रुपए में होती है, और इसको पीने में मात्र 2 दिन लगते हैं, और वो भी खाली अखनूर की राइड्स मार लो, जम्मू की एक ही राइड और अखनूर की 2 राइड, उसमें ये भाई तेल पी जाती है पूरा का पूरा। तो जितनी बार भी मैं मोस्टली पेट्रोल पम्प पर आता हूँ हर बार फुल कराना पड़ता है। तो तकरीबन जब से मैंने बाइक ली है, इस ये जो ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है इसको मैंने रेसिंग पे रखा हुआ था, अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि भाई स्ट्रीट मोड क्यों ज़रूरी है। टू बी ऑनेस्ट स्ट्रीट मोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना एक रिलायबिलिटी से मिल जाती है कहीं पर भी घुसने की, वरना पहले बाइक ऐसे जैम हो जाती थी एक ही जगह, हिलती नहीं थी भाई। आगे निकल रहे हैं इस टाइम रोड पे गाइस, वो अलग लेवल के भाई। अब भैनचोद काटना मत, प्लीज मत काटना भाई साहब। तुम्हें पता है क्या हुआ जस्ट अभी अभी? मुझे रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई साहब, रुकना पड़ेगा यार। ये जितनी बार भी टच होती है ना भाई, टच होते ही काट लेती हैं, ततैया पता है ना पीला सा होता है भाई, कसम से जैसे ही वो मेरे को बची ना भाई, डर तो मैं फटके तो 4 हो गई थी मेरी उसी टाइम, बट शुक्र है भाई आज नहीं काटा उसने वरना मेरे को। भाई कसम से बता रहा हूँ, मेरे साथ ना इतने गंदे गंदे इंसिडेंट हो रखे हैं। मेरे पास V3 थी, ठीक है, मैं घर से आया व्लॉग बनाते बनाते, उस टाइम मेरे को शर्म लज्जा थी थोड़ी, तो मैंने पूरी बात बताई नहीं। यहाँ पर ठीक यहाँ पर ततैया बैठा हुआ था पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाया मैंने, जैसे ही बाइक पे बैठा फिर सोच लो कहाँ काटा, और सोचो डबल लेयर कपड़े, मतलब डबल लेयर, अब तुम समझ जाओ कहां के संग की बात कर रहा हूं मैं। डबल लेयर कपड़े पहनने के बावजूद भी ना उसने मंड मंड शंड कर दिया उसने, मतलब समझ जाओ बेहोशी की हालत आ गई थी, ऐसे लगता कि अब ना बचता मैं। ये छोटे से स्ट्रेच क्या ही कर लेंगे भाई, R1 जैसी बाइक को तो स्ट्रेच ऐसे खत्म हो जाते जैसे थे ही ना। चलिए किसने बनाया था? तेरे से बना सकता कोई? क्या जूबे काम कौन करेगा तेरे से भाई? मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया। अच्छा थोड़ा सा और बना लूं? बनाने दे यार थोड़ा सा यार। अच्छा एक काम कर दे, मेरी बाइक को बार्बी बना दे, इतना तो कर सकता है ना, फिर ही व्यूज आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। बार्बी बनाएगा फिर ही व्यूज आएंगे। गाइस क्या कहते हो, पिंक कर दें R1 को?
साला जिस दिन मैंने पिंग कर दिया ना उसी दिन मैं काबिल नहीं रहूंगा इसके, इसको रखने के।